प्रेस क्लब कुरुक्षेत्र रूप में पहुंचे विधायक सुभाष सुधा। प्रेस क्लब की मांग पर विधायक सुधा ने दिया मीडिया सेंटर स्थापित करने का आश्वासन। प्रेस क्लब कुरुक्षेत्र द्वारा राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में स्थानीय विधायक सुभाष सुधा ने मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि क्लब की मांग पर भव्य मीडिया सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह मीडिया सेंटर खंड विकास कार्यालय या सन्निहित सरोवर के नज़दीक पर्यटन सूचना केंद्र में स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ साथ सुधा ने प्रेस क्लब द्वारा दिए गए मांग पत्र पर बोलते हुए कहा कि वे हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलकर पत्रकारों की सम्मान पेंशन 10,000 से अधिक करवाने और उन्हें भी सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर मिलने वाला महंगाई भत्ता दिलवाने का प्रयास करेंगे और इसी के साथ साथ पत्रकारों को पेंशन मिलने की आयु सीमा 60 वर्ष से कम कर 58 वर्ष करने के लिए मुख्यमंत्री से कहेंगे। हम लोग विधायक बनाए बने थे आपकी कृपा से, 4 जो हमने सीएम अनाउंसमेंट कराई थी पूर्व में हुई है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा से आप लोगों के सहयोग से आज विधायक बने हैं, लेकिन जो सजेशन हमारे प्रेस के साथी दे सकते हैं, शायद वो आम जन पब्लिक नहीं दे सकती, मैं चाहूंगा इसके लिए मेरा पूरा सहयोग करेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी का मैं हो सकता है अगले महीने के लिए का समय ले लूँगा, आज उनसे अगले महीने, तो मैं चाहूंगा जो चीज़ें होती हैं आपको शहर के अंदर गाँव के अंदर जहाँ भी क्षेत्र के डिपार्टमेंट के लिए कुछ सजेशन देना चाहे वो मुझे दे, ताकि मैं उसके लिए आपकी लड़ाई लड़कर मुख्यमंत्री से क्लास हूँ। आप सबका धन्यवाद। हमारे बीच में चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय भिवानी के प्रोफेसर कुलदीप पैनगर का जी आए हैं हमारे विशेष निमंत्रण पर, मैं उनका बिहार जी का अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आशियान साहब का प्रोग्राम भी है और विधायक जी को वहां भी जाना है सीएम साहब को सीख करने, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सम्मानित मंच और सभी आए मेरे बहुत ही सम्मानित पत्रकार बन प्रेस के ऑलरेडी विजय भाई साहब ने बहुत क्लियरली मेंशन किया कि उसकी इम्पोर्टेंस हमारे सभी पत्रकारों की लाइफ में क्या है। मुझे याद है कि जब शायद मैंने जर्नलिज्म को ज्वाइन किया था और वहाँ बहुत बड़ी बात कही जाती है कि चौथा स्तंभ ऐसा पत्रकार और पत्रकारिता का माना जाता है पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर, तो वहाँ जिम्मेवारी बहुत बड़ी बनती है। हम कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, उन सभी चीज़ों में हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये मानता हूँ कि इन सभी कामों को करने के लिए एक चीज़ अपने अंदर सबसे पहली चाहिए, बिकॉज यू मस्ट हैव अ लव फॉर द नेशन। अगर आप नेशनल कैरेक्टर के साथ जर्नलिज्म कर रहे हैं तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं, देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ गोज एक साथ चलती हैं, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं बिकॉज मेरे यंग फ्रेंड्स बैठे हैं, सब लोग आए हैं, बड़े अच्छे लिख रहे हैं और आज के दिन बहुत सारी चीज़ें वो, तो उस समय जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मुझे इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये बात आप लोगों को कहनी है कि आपकी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है और हमारे समाज के प्रति, देश के प्रति, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति और हमारे फर्टिलिटी के प्रति, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अच्छी पत्रकारिता के साथ आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। यहाँ का जो मीडिया सेंटर है विधायक महोदय, वहाँ पर कोई आता नहीं जाता नहीं, तो हमारा आपसे हम इससे पहले भी 2-3 बार महोदय को, प्रोफेसर रामलाल शर्मा जी को, राजीव जैन जी को निवेदन करते रहे, पर कोई हमें आश्वासन मिला और हमें कार्य पूरा नहीं हुआ। हम आपसे पूरी उम्मीद है और आपसे निवेदन है कि मीडिया सेंटर को शहर के मध्य में किसी स्थान पर तब्दील करवाने की कोई बात नहीं। दूसरी, जब से प्रदेश में भाजपा सरकार आई, भाजपा सरकार ने विधायक महोदय 60 वर्ष से अधिक आयु के पत्रकारों के लिए वृद्धावस्था पेंशन समान पेंशन शुरू की, 10,000 रुपए महीना, जो कि अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है।
हमारे यहाँ से निवेदन है कि आपका बड़ा प्रभाव रहा है सरकार में, मुख्यमंत्री जी के आप काफी नजदीक या विश्वास पात्र है, आप अपने प्रभाव का प्रयोग करके आज बढ़ती महंगाई है पेंशन को बढ़वाए, और जिस तरह से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है पेंशन लेने वालों को, पत्रकारों की पेंशन में भी महंगाई भत्ता जुड़वाया जाए, ये दो तीन मांगे आपके सामने मैंने रखी हैं। हमें उम्मीद है कि आप अपने प्रभाव का प्रयोग करके। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।